साइबर थाना पुलिस ने उत्तर प्रदेश से साइबर क्राइम के एक आरोपी को शुक्रवार को पकड़कर थाने ले आई। बताया गया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिहोडी निवासी एक महिला से बीएसएफ जवान द्वारा शादी का प्रलोभन देकर 90,000 रुपए की ठगी बीते मार्च को कर ली गई थी। इस घटना के बाद महिला द्वारा साइबर थाने में आवेदन दिया गया था। साइबर पुलिस की ओर से इस कांड में त्वरित कार्रवाई करते हुए ठगी करने वाले आरोपी दीपक कुमार को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला मंडनावार लालपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी जानकारी साइबर इंस्पेक्टर सुरेश मंडल ने प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। उन्होंने बताया कि बीते 20 मार्च को सिहोडी की महिला शादी को लेकर शादी.com में मैसेज की थी। साइबर इंस्पेक्टर ने बताया कि महिला को पूर्व से एक छोटी बच्ची भी है। जानकारी दी गई कि 7वीं बटालियन के बीएसएफ जवान ने शादी का प्रलोभन और बच्चे को अपनाने की बात कहकर महिला से कॉन्टैक्ट किया। इस दौरान दीपक ने बताया कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। इस दौरान बात बात में महिला से दीपक द्वारा 90,000 की ठगी कर ली गई, जिसके बाद अभियुक्त शादी को लेकर टालमटोल करने लगा, जिसके बाद अभियुक्त दीपक नौकरी से एक महीने की छुट्टी लेकर घर चला गया। महिला द्वारा लगातार फोन करने पर मोबाइल ऑफ आता था। एक दिन महिला द्वारा फोन करने पर दीपक की पत्नी द्वारा मोबाइल को रिसीव किया गया, जिसके बाद दीपक का सारा पोल खुल गया, जिसके बाद पुलिस ने अभियुक्त का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। क्या मामला इस प्रकार है कि दिनांक 20 मार्च 2022 को एक सीओडी की पीड़िता महिला जो विडो है परंतु वो जॉब भी करती है और उसे एक जीवन साथी की तलाश थी, तो उसने शादी.com में अपने प्रोफाइल छोड़ा था जो कि बीएसएफ का एक जवान जिसका नाम दीपक कुमार है और इस कांड का अभियुक्त भी है, प्राथमिकी अभियुक्त है। उसने उसका मौके का फ़ायदा उठाकर उसे अपने भावनाओं में लेकर के प्रेम जाल में लेकर के शादी का प्रस्ताव दिया, जिसमें ये लड़की फंस जाती है और उसने उस अभियुक्त ने तरह तरह का बहाना बताते हुए कि मेरी पत्नी मर गई है, मेरे देखने वाले आगे पीछे कोई नहीं है, तो मैं आपसे शादी कर लूँगा और आपके बच्चे को भी अपनाऊँगा, क्योंकि ये वादनी की एक छोटी बच्ची भी है। तो इस तरह से अपने प्रेम जाल में लेकर के कुल 90,000 रुपये ठगी कर लिए और शादी की बात को लेकर के बहाना बना करके टालते रहे और वो अपने बटालियन 75 बटालियन कुछ बिहार से छुट्टी लेकर के महीना भर का छुट्टी लेकर के अपने घर चला गया और फिर स्विच ऑफ रखने लगा। किसी कारणवश उसकी मोबाइल उसकी पत्नी के हाथ लग जाता है और इसका सारा फोल खुल जाता है। फिर इस मामले में तहकीकात करते हुए हम लोग आगे तक पहुँचते तो पता चलता है कि ये अभियुक्त और भी कई लड़कियों के साथ इस तरह का वारदात कर चुका है, जिसमें भोपाल की भी एक लड़की के नाम सामने आ रहा है। आगे अनुसंधान में और भी बात खुल सकती है। तो ये एक फ्रंट लाइन डिफेंस फोर्स का जवान होते हुए इस तरह से संगीन अपराध किया है जो कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है, क्षमा योग्य नहीं है। इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए हमने बिजनौर मंडावर थाना क्षेत्र के इसके गांव लालपुर में जाकर के गिरफ्तारी की है और आज इसे माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। क्या नाम है सर, कहाँ का रहने वाला? इसका अभियुक्त का नाम है दीपक कुमार, जो कि लालपुर मंडावर थाना जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है।